प्रदेश की योगी सरकार अब गरीब परिवार के किसी भी व्यक्ति की मौत पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी, जिसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने सभी सचिवों को आदेश दिए हैं कि अब पूरे सम्मान के साथ कोरोना या नॉन कोविड के शवों का प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। DPRO ने बताया कि कोरोना या किसी और वजह से मौत होने पर नियम के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए शासन से आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने इस बारे में ग्राम पंचायत के राज्य वित्त के फंड से 5,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, कल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग के द्वारा एक जीओ जारी किया गया और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि कोई भी अगर कोविड या नॉन कोविड से भी, इसमें नॉन कोविड भी ऐड किया गया है कि कोई भी अगर गरीब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 5,000 रुपया की अनुग्रह राशि अंतिम संस्कार के लिए तत्काल दे दिया जाए। और हम लोग इसके आधार पर, हमारे पास जो है शासन से जो मृत व्यक्तियों की सूची भी मिली हुई है, उसमें हम लोग ये टेस्ट करेंगे, उसमें से कोई गरीब है तो उन लोगों को हम लोग 5,000 रुपया मुहैया कराने का कार्य करेंगे। मे भी अगले 1 से 2 दिन में कुछ व्यक्तियों को जो भी गरीब हैं उन सबों को 5,000 रुपये की जो अनुग्रह राशि जो है ग्राम पंचायत के पंचायत निधि से ADO जो प्रशासक है भी और सचिव के ज्वाइंट अकाउंट से दिया जाएगा। कौन चिन्हित करेगा, कैसे किया जाएगा? यही एक एक करके, जैसे गरीब का क्राइटेरिया होता है जो देख करके लगते हैं, जिनके पास पक्के का मकान नहीं हो, देख करके लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स लगता है गरीब है, उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, अभी कोरोना काल में उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे किसी भी लोग जो भी शव का सही से अंतिम संस्कार करने के लिए जिनके पास भी धनराशि नहीं है, ऐसे किसी भी लोगों को चिन्हित करके उनको 5,000 रुपये की धनराशि, चाहे कोविड से मृत हुए हों या कोविड बिना नॉन कोविड से किसी और भी बीमारी से अगर वो मृत हुए होंगे, पर अगर उनके पास अंतिम संस्कार के लिए धनराशि नहीं है ऐसे कोई गरीब व्यक्ति, तो उनके परिजनों को 5,000 रुपये की धनराशि दी जानी है। सर मान लीजिए गांव में डेथ हो गया तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खोजेंगे, किसको? नहीं, हम लोगों ने इसलिए एक नंबर भी जारी किया था, हेल्पलाइन नंबर के जारी किया था, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है, अपने प्रधान को तो जानते हैं, सिर्फ प्रधान या सचिव को कॉल कर लें, बाकी सारे इंतजाम बस वो कॉल करें या जिले पे कॉल करें, DPRO गोरखपुर के नंबर पे कॉल कर लें या कहीं भी कॉल कर लें, बस पंचायती राज विभाग में प्रधान से लेकर के ऊपर सचिव से लेकर के या सफाई कर्मी किसी को भी बता दें कि उनके घर में डेथ हुई है और वो गरीब है, कम से कम प्रधान को तो पता होगा गरीब व्यक्ति है, तो वो प्रधान को भी हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको भी ये बात बता रहे हैं, ऐसा कोई गरीब व्यक्ति चाहे कोविड से मरे या नॉन कोविड से मरे उनकी सूचना हमें तत्काल दें और हम लोग उनको 5,000 रुपये की धनराशि जो ग्राम निधि 1 से मुहैया कराएंगे।